वर्ल्ड कप 2024 के लिए अभी से ही शाहीन को एज ए कैप्टन थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू कर देना चाहिए, क्या आपको लगता है? लेकिन ये तो बात की बातें हैं, फिलहाल मेरे ख्याल में सिर्फ फोकस करना चाहिए हमें वर्ल्ड कप पे, और जो इस साल की इवेंट्स हैं उसको देखना चाहिए कि कैसे हमने इतनी लंबी, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रहे, हमने अभी अगर एक महीने से या पीछे हमारी सीरीज़ ख़त्म हुई तो आगे हमने अभी कुछ भी नहीं किया, तो फिर इतना लंबा प्लान तो बात की बात है। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है, मैंने तो हमेशा ये बात की है कि गवर्नमेंट्स को इसमें एक्टिवली काम करना चाहिए और इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। ये हर दफ़ा यही इशू खड़ा होता है जी कि वो नहीं आ रहे, हमने जाना है कि नहीं जाना। ऐसे आप क्रिकेट पिक एंड चूज़ के साथ नहीं खेल सकते, सियासत से अलग करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए और पाकिस्तान को भी जाना चाहिए। जुलाई में इतना बड़ा गैप आ जाएगा, वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी क्या बेहतर होगी ना, उससे कोई नुकसान तो नहीं कि क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलेंगे? लेकिन मेरे ख्याल में तो ये आइडियल टाइम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको नॉर्मली क्या होता है, क्रिकेट इतनी ज़्यादा आप खेलते हैं कि बीच में आपको प्लान करने का, तैयारी का टाइम ही नहीं मिलता। तो आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि जिस पे कोई ना कोई पाकिस्तान को प्लानिंग करनी चाहिए अगले 6 महीनों की, टेल ऑस्ट्रेलिया टूर एटलीस्ट, वर्ल्ड कप भी है और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट मैचेस हमने खेलने, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें हम अपनी अभी से प्लानिंग करके कि हमारी टीम क्या होनी है, क्या कम्बिनेशन हमारे खेलेंगे, कैसे हमने इसको यूटिलाइज़ करना है इस टाइम पीरियड को, और कैसे हमने टीम के डिफरेंट कम्बिनेशन को तैयार करना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अभी कोई कैंप नहीं हो रहा, कोचेस भी यहाँ पे नहीं हैं, जो फॉरेन कोचेस का थोड़ा सा एक नुकसान आपको ये होता है, वो यही होता है कि टूर के टूर आप तैयारी करते हैं, एक हफ्ते का आपका कैंप होता है, उसके अलावा फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप तैयारी, मुझे लगता है कि अभी से तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए। और शाहीन जैसे ही खेल के आती है जिम्बाब्वे से, तो कोशिश करें कि यहाँ पे, क्योंकि वनडे में इनफ प्रैक्टिस मुझे लगता है नहीं मिल रही पाकिस्तान टीम को, इनके आपस में मैचेस कराएं एशिया कप से पहले, जैसे भी आप जो भी जहां कहीं भी आपको टाइम मिल रहा है आप उसको प्लान करें और अपने पूरे प्लेयर्स को रेडी करके लेके जाएं, कंडीशन करके लेके जाएं वर्ल्ड कप से पहले, अदरवाइज़ ये गैप जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है इन बड़े इवेंट्स में। मेरा मिस्बा साहब से सवाल है कि पाकिस्तान अब बॉलर्स की केप बन गई, और ऑब्वियसली हसन अली, इसके अलावा अभी एहसानुल्लाह रिसेंटली उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है, तो ये टेप बॉल के जो बॉलर्स हैं इनकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो कहाँ तक लुक फॉरवर्ड करें, कहाँ तक इसको देखें टेप बॉल को स्पेशल? जाहिर है जी, पाकिस्तान में हमेशा से अगर आप देखें फास्ट बॉलर्स, जो रियल फास्ट बॉलर्स आते हैं, स्पेशली हम हमेशा कहते हैं कि यॉर्कर्स में बहुत ज़्यादा नाम कमाया पाकिस्तान।